हे दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओनर के अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च होने के काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं ओनर की तरफ से, जो कि ओनर की X20 सीरीज होने वाली है। और यहाँ पर 3 स्मार्टफोन्स देखने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, लेकिन आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओनर के X20 के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में बताने वाला हूँ ओनर के X20 में क्या क्या स्पेसिफिकेशन, किस प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा और इंडिया में किस हिसाब से देखने को मिलने वाला ये वाला स्मार्टफोन। ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसी वाली इन्फॉर्मेशन वीडियोस फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। ये मैं इसलिए धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर जिसने नहीं किया है, क्योंकि मैंने देखा है जा करके जो नोट सब्सक्राइब्ड वाला जो सेक्शन है वो ज़्यादा है व्यूज़ काउंट के हिसाब से देखा जाए तो। जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ज़्यादा देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो तो भूल जाते हैं। ओनर के इस डिवाइस के बारे में दोस्तों, ओनर का ये वाला डिवाइस बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर वापसी करने वाला है। और बता दूँ आपको, ओनर एक स्टेबल कंपनी है, मतलब एक वावे की एक बहुत अच्छी सब ब्रांड है ओनर। और यहाँ पर शाओमी की तरह ही ये वाले स्मार्टफोन देखने को मिले, लेकिन ओनर के स्मार्टफोन्स में आपको बग्स नहीं देखने को मिलते ज़्यादा, उनके जो बग्स है वो बहुत कम रहते हैं। क्योंकि शाओमी का जो अभी फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं उसके अंदर इतने सारे बग्स देखने को मिले हैं, काफ़ी सारे यूज़र्स को नोटिस किया है। ऐसे ही अभी ये वाला स्मार्टफोन, ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला ओनर की तरफ से। और इंडिया के हिसाब से इसकी स्पेसिफिकेशन बता दूं आपको, तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, समझ रहे हो ना, ओनर की तरफ से। और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, ट्रिपल रियर कैमरा बैक साइड में, और फ्रंट में पंच होल कैमरा साइड में देखने को मिलेगा कॉर्नर के अंदर, राइट हैंड साइड में। तो बेसिकली ये स्मार्टफोन होने वाला है इस टाइप का। कुछ लेक्स एंड रूमर्स है, मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ आपको ये किस टाइप का होने वाला है। डिजिटल चैट स्टेशन ने इसके कुछ लेक्स एंड रूमर्स को अनाउंस किया है, बताया है इसके लीक्स को बताया है डिजिटल टैच स्टेशन ने। वहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है और बताया जा रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन आपको Dimensity 1200 के साथ में देखने को मिलेगा। यार उस प्रोसेसर के बारे में तो आपको पता ही है, कितना पावरफुल प्रोसेसर है, कितना अच्छा देखने को मिलेगा, दमदार प्रोसेसर है, काफ़ी सारी बैटरी एफिशिएंट से लेकर के गेमिंग से रिलेटेड हर चीज़ में काफ़ी तगड़ा प्रोसेस देखने को मिलता है। और बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के कैमरास की, तो 64 मेगापिक्सल और यहाँ पर 12 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज 5 मेगापिक्सल भी देखने को मिल सकता है। और लेकिन कैमरा सेंसर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको बताया जाए कि अल्ट्रा वाइड और मैक्रो देखने को मिल सकता है, जैसे डेप्थ ना मिले। अब देखने वाली बात रही किस तरीके से अपने सेंसर्स को इम्प्लीमेंट करता है। फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का प्यारा राज दुलारा सबका देखने को मिलेगा सेंसर 16 मेगापिक्सल वाला। तो बेसिकली फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है। और यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ इंडिया की, मेन है हमारी तरफ से स्मार्टफोन कोई भी हो, चाहे चाइना में कुछ भी कचरा लॉन्च करें, हमें डजेंट मैटर। बट बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर ये वाला स्मार्टफोन आपको 20,000 से 22,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। अगर ये वाला स्मार्टफोन Dimensity 1200 के साथ में, ओनर की ब्रांडिंग के साथ में 20,000 से 22,000 की प्राइस रेंज के अंदर चाइना के अंदर देखने को मिलता है, तो इंडिया के अंदर एक दो हज़ार रुपये प्राइस और बढ़ा लो तो वो वाला स्मार्टफोन आपको 22,000 से 23,000 में देखने को मिल जाए। तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाला है ये वाला स्मार्टफोन Dimensity 1200 के साथ में, जो रियलमी शाओमी जैसी कंपनीज को, पोको तक जैसी कंपनी को काफ़ी ज़बरदस्त चक्कर देगा। और फिलहाल जो ओनर के स्मार्टफोन्स के अंदर गूगल की सर्विसेज को बैन कर दिया गया था, उनके अंदर फिर से लागू कर दिया गया, ओनर के स्मार्टफोन्स में गूगल की सर्विसेज फिर से देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल ये तो कन्फर्म नहीं हुआ कि गूगल की सर्विसेज तो 100% मिलनी है, बट कभी ये ना हो जाए कि हार्मोनी OS के साथ में ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर दे, मतलब वैसे होना तो ये बहुत कम है। बट अगर आपको क्या लगता है कि अगर ये वाला स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होता है तो आपको हार्मोनी OS का कैसा यूज़र इंटरफेस रहेगा, किस टाइप का रहेगा, कैसे हम यूज़ कर पाएंगे, कितने अपडेट्स मिलेंगे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि हार्मोनी OS इंडिया में चल पाएगा, और मैं भी नहीं चाहता कि हार्मोनी OS को मैं यूज़ करूँ चाइना से रिलेटेड ऐसा कुछ सिस्टम। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में, गूगल की सर्विसेज के साथ में ये वाला स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके क्या विचार स्मार्टफोन से। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बताना कमेंट सेक्शन में स्मार्टफोन से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।